10 दिन में अंग्रेजी बोलना सुनने में अजीब लगता है, किसी को लगता होगा बहुत मुश्किल काम है, शायद ये मुमकिन नहीं है, लेकिन ये सारी बातें गलत है। 10 दिन में अंग्रेजी सीखा जा सकता है, इसके लिए कहीं ज़्यादा वर्ष जानने की ज़रूरत है बिल्कुल नहीं, कड़ी मेहनत की ज़रूरत है बिल्कुल नहीं, थोड़ा लगन और अपने प्रॉपर गाइड होना चाहिए, मन में थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए और कुछ सारे वर्ड्स अगर जान लेते हैं तो आप अंग्रेजी बोल पाओगे। हमारे इस वीडियो में हम आपको सिखाने जा रहे हैं 10 दिन में अंग्रेजी बोलना। आज हमारा पहला दिन है तो ध्यान से सुनिएगा, हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। हम आपको वादा करते हैं हम आपको 10 दिन में अंग्रेजी बोलना सिखा देंगे। आज पहला दिन है। हम लोग हर रोज़ क्या क्या बातें करते हैं, कुछ कॉमन सा बातें हम लोग हमेशा करते रहते हैं। किसी दोस्त को पूछते हैं कैसे हो, वो बोलता है मैं अच्छा हूँ। किसी को हम लोग पूछते हैं तुम कहाँ पर हो, बोलता मैं यहाँ पर हूँ। कल क्या करोगे, कल कहाँ पर होगे, ऐसे कुछ बातें जो मैं अच्छा हूँ, ये मैं हूँ इसका मतलब क्या होता है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलता है। मेरा है, तुम खुश हो, हाँ मैं खुश हूँ, तो मैं हूँ इसका अंग्रेजी क्या होता है, तुम हो इसका अंग्रेजी क्या होता है। इसी तरह कुछ आसान सा वर्ड्स, आसान सा लफ्ज आज हम पहले दिन में सीख लेंगे। अगर इसे हम प्रैक्टिस करते हैं फिर हम डे टू में प्रोग्रेस कर पाएंगे और उम्मीद है आप लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहेंगे। आज मैं आपको कुछ आसान सा छोटा छोटा लफ्ज अंग्रेजी में सिखाने वाला हूँ। पहला, मैं हूँ, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं आई एम। तुम हो, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, यू आर। हम हैं, वी आर। वो है, ही इज, अगर वो लड़की होती है सी इज। वो लोग हैं, दे आर। अगर हम मान लो अगर ऐसे बोलते हैं हम कल अच्छे थे लेकिन आज अच्छे नहीं हैं, तो कल अच्छे थे, हम कल थे, तो हम थे, मैं था, तो मैं था का अंग्रेजी क्या होता है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मैं था, आई वॉज। वो थे, ही वॉज। हम थे, वी वेयर। वो लोग थे, दे वेयर। अगर लड़की थी, वो थी, मतलब ही सी वॉज। हम कल कैसे रहेंगे, कल अच्छा होंगे या बुरा होंगे, तो कल कैसे रहेंगे, हम रहेंगे, आई विल बी। तुम रहोगे, यू विल बी। हम रहेंगे, वी विल बी। वो रहेगा, ही विल बी, अगर वो लड़की होती है सी विल बी। वो लोग रहेंगे, दे विल बी। कुछ आसान सा लफ्ज है, बस ये हम लोग को जानना है, क्योंकि ये हमें सेंटेंस में अप्लाई करना पड़ता है। मैं अच्छा हूँ, तो मैं हूँ का अगर अंग्रेजी आपको नहीं पता होगा तो मैं अच्छा हूँ ये आप मैंने बोल नहीं पाऊंगे। तो मैं हूँ आई एम, मैं अच्छा हूँ आई एम वेल, आई एम फाइन। तो इसीलिए मैं हूँ का अंग्रेजी जानना आपको ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए तुम कहाँ पर हो, तो तुम हो, यू आर। तुम कहाँ पर हो तभी तो आप बोल पाओगे अगर तुम हो का अंग्रेजी आपको पता चले, तो तुम हो, यू आर। तुम कहाँ पर हो, वेयर आर यू। तो यू आर अगर आपको पता नहीं चले तो आपको वेयर आर यू ये आपको आपका दिमाग में नहीं आएगा। तो आसान सा लफ्ज़ है ये आपको जानना है, तुम हो यू आर, हम लोग हैं वी आर, ये हमको जानना है। कभी कभी हम लोग किसी दोस्त को पूछते हैं तुम कैसे हो, तब वो दोस्त बोलता है मैं बहुत खुश हूँ। ना तुम खुश क्यों हो, ना मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, इसलिए मैं खुश। तो मेरे पास है मतलब मेरा है, मेरा है का अंग्रेजी होता है आई हैव। तुम्हारा है, यू हैव। उसका है, ही हैज, अगर वो लड़की होती है सी हैज। वो लोग का है, दे हैव। अगर यही बात हम लोग को इस तरह बोलना पड़ता है, मेरा बहुत पैसा था लेकिन अभी नहीं है, मेरा था, मेरा था, आई हैड। तुम्हारा था, यू हैड। हमारा था, वी हैड। उसका था, ही हैड, अगर वो लड़की होती है सी हैड। वो लोग का था, दे हैड। अगर ऐसा होता है मान लो मैं अगले दिन में बहुत बड़े आदमी बन जाऊंगा, मेरे पास बहुत सारे पैसा होगा, मेरे बहुत सारे दोस्त होंगे और मेरे खुशियाँ ही खुशियाँ होंगे, तो मेरा होगा आई विल हैव। हमारा होगा वी विल हैव। तुम्हारा होगा यू विल हैव। उसका होगा ही विल हैव, अगर लड़की होती है सी विल हैव। हाँ, उन लोगों का होगा दे विल हैव।
ये छोटा छोटा लफ्स है, इसे हम सेंटेंस में कैसे अप्लाई करेंगे? मेरा कल बंगला होगा, आई विल हैव ए बंगलो। उसका बहुत सारा दोस्त होगा, ही विल हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। इसी तरह का छोटा छोटा लफ्स हम जान लेंगे तो इसे हम सेंटेंस में अप्लाई कर पाएंगे और इसमें हमारा कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा ग्रो अप करेगा और हमारे मन के अंदर जो डर है, जो अंग्रेजी शायद हम नहीं सीख पाए, ये डर बिल्कुल उसे हट जाएगा। पहला तो आपको मनोमन में ठान लेना है, मेरे को अंग्रेजी बोलना है। अगर मन से डर को नहीं भगाओगे ना, तो अंग्रेजी कभी बोल नहीं पाओगे। बहुत आसान सा लैंग्वेज है। अगर आप हिंदी अच्छी तरह से बोल पा रहे हो, बंगाल में रह के बंगला अगर अच्छी तरह से बोल पा रहे हो, तमिलनाडु में रह के अगर तमिल अच्छी तरह से बोल पा रहे हो, तो आप अंग्रेजी भी बोल पाओगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा प्लानिंग होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा मैच्योर बन पाओगे, उतने अच्छी तरीके से बोल पाओगे। कोई भी चीज़ बगैर प्रैक्टिस से आप उसे परफेक्ट नहीं बना सकते, आपको प्रैक्टिस करना है, आपके आसपास के दोस्तों से इसी तरह के बातें करना है। आम दिन में हर दिन आप जो बातें कर रहे हैं, इसी बात आपको अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करना है। पहला आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एक काम कीजिए, अपना घर में आईना होगा, आईने के सामने खड़े हो जाइए, यही बात बोलिए, दो बार तीन बार बोलिए। चलो आज मैं जो ज़्यादा कुछ आप लोगों को नहीं सिखाया, थोड़ा बहुत लफ्ज़ सिखाया, शायद उम्मीद है आप लोगों को याद होगा शायद। तो ठीक है, मैं टेस्ट करता हूँ। मैं आपको उन लोगों के बारे में तीन चार हिंदी में बोलता हूँ, आप उसे अंग्रेजी में कन्वर्ट कीजिए। अगर आप कर पा रहे हो तो सीख गए आप, आज का डे वन में आप सक्सेसफुल हैं। अगर आपको लगता है कि मैं भूल चुका हूँ, तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए, दूसरा तीसरा बार देख लिए, फिर ट्राई कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये मेरा हो गया, प्रैक्टिस हो गया, तभी एक बार एग्जामिन कर लीजिए, अब एक बार टेस्ट कर लीजिए, खुद को टेस्ट कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं आज जो लफ्ज़ सीखा, ये मेरे को मेरा दिमाग में आ गया, तो आप डे टू के लिए तैयार है। ठीक है, मैं आपको पूछता हूँ, हमारा है, तुम होगे, तुम हो, वो लोग है, क्या हुआ, दिमाग में आया नहीं आया? घबराने की कोई जरूरत नहीं, वीडियो और एक बार देख लीजिए, मेरे को पूरा विश्वास है आप सीख पाओगे। बस लगे रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगला वीडियो में।